फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ व्रत में खाने वाले आलू, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर्स विद श्रुति। मैंने एक कढ़ाई को गरम कर लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी घी, 1 बड़ा चम्मच जीरा का, 6 से 7 कड़ी पत्ता। अगर आप कड़ी पत्ता नहीं खाते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच मूंगफली के दाने। इन सभी चीजों को आप 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, जिसको मैंने हाथों से छोटा छोटा तोड़ लिया है। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें और लो मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, हरा धनिया। इन सभी चीजों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नींबू का रस। अगर आप चाहें तो नींबू के रस की जगह अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और ये देखिए हमारे व्रत के चटपटे आलू बनकर तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।